हेलो दोस्तों, तो सब लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सभी को। अभी मॉर्निंग हुआ है, मैं मॉर्निंग थोड़ा लेट होते क्योंकि कल मैं शाम को जाएंगे, सोचा तब तो मैं आती खा के पूरा सोते रहा, रात हो गया तो मैं दीदी के यहाँ चीजों की यहाँ रुका हूँ यहाँ पे। तो फिर सुबह हुआ, सुबह उठ के अभी मैं फ्रेश हो के आया हूँ। फ्रेश हो के थोड़ा इधर बेधर, इतना मच्छर काटे, इतना दिन कॉल बेंगलोर में था ना, वो उस टाइम में इतना तो एक भी मच्छर नहीं काटा। यहाँ जब से आने के बाद पूरा शरीर में मच्छर काटे, इतना जब से कोलकाता पहुँची कल से इतना मच्छर। तो मैं आज शाम को जाएंगे, आप लोग को दिखाते हूँ सुबह कितना मच्छर काट ले, इससे ज़्यादा कर ले मैंने, कितना मार के। देखो देखो दोस्तों, ये गिन सकते हैं एक दो, कितना मैंने मच्छर मारे, ये पूरा मुझे काटा था इतना। ऐसे मच्छर काटेंगे तुम्हारे, पूरा इतना मच्छर आते ना, वो मतलब खिड़की भी खोल के नहीं रख सकते। तो दिन में भी ये यहाँ पे तो अच्छा से नहीं, ये लोग तो यहाँ पे, हम लोग तो यहाँ, दीदी लोग तो यहाँ पे रहते हो, तो दूसरा जगह में सेव होगी। ये तो उतना अच्छा नहीं था घर, तो वो लोग जब टाइम मिलेगा दूसरा घर में सेव होगा। तो मैं ये अभी सो के उठी थी तो मच्छरदानी मैंने उठा दिया, मच्छरदानी उठा के मैं थोड़ा यहाँ पे बैठा हूँ, मतलब थोड़ा सा बैठते हो सोच के बैठा। तो पूरा जब से मच्छरदानी बाहर से आई हो, पूरा काटते जा रहे, मच्छर काटते जा रहे, तो मैं फिर मच्छरदानी लगा के अभी मच्छरदानी के अंदर बैठूँगी, क्योंकि खाना तो कल रात का थोड़ा सा बचा हुआ है। खाना तो मैं वही गर्म करके खाऊँगी, खाना तो नहीं बनाऊँगी, तो वही लंच कर लेंगे, थोड़ा सा मछली बना लेंगे, खाने का टाइम में मछली थोड़ा सा बनाएंगे, उसके बाद खाएंगे, उसके बाद शाम को। अभी तो जीजू ड्यूटी गए हैं, तो ड्यूटी आने के बाद जीजू मुझे पहुंचा देगा हॉस्टल में, क्योंकि मेरा बहुत सामान है। तो मैं आज फाइनली हॉस्टल जाऊंगी क्योंकि कल नहीं जा पाया, तो जीजू आने तक मैं वेट करूंगी, तो शाम को पहुंचा देगा मौसम। लेकिन इतना मच्छर पूरा यहाँ पे, पूरा ऐसे कादरे मच्छर, थोड़ा सा भी बैठने का कहीं पर भी जाके बैठो बस मच्छर ही काटेगा, मच्छर मच्छर। कोलकाता में इतना मच्छर है ना, पता नहीं रखा अच्छा से नहीं देखा, नहीं देख पा रहे। तो ये खिड़की खोल के रखा ना मैंने, इसी खिड़की से पूरा मच्छर आ रहे, क्योंकि ये ग्राउंड है ना, इधर पूरा जंगल है, इसीलिए पूरा इधर से मच्छर आ रहे। खिड़की थोड़ा सा खोल दिया मैंने, पूरा मच्छर आके काट रहे मुझे। ये मच्छरदानी लगा के अंदर बैठोगे नहीं तो पूरा खा जाएंगे, कल से तो मेरा खून पी रहे मच्छर। कल रात से जब से पहुंची कोलकाता तब से ये खून पी रहे हैं, पूरा शरीर का खून है, सब खून पी रहे। तो मैं फिलहाल अभी विधि पूरा काट रहे, पूरा मच्छर है। तो अभी मैं मच्छरदानी लगा दे दो, मच्छरदानी लगा के मैं अंदर बैठूंगी, कुछ भी करो मच्छरदानी के ही अंदर रहूँगी, ताकि एटलीस्ट मच्छर से तो बच सकेंगे थोड़ा सा। तो पूरा ये ऐसे फूल गया, देखो देखो गाइस, ये पूरा फूल गई, इधर पूरा हाथ सब फूला हुआ है मच्छर काट के। आप लोग सोच रहे होगे मैं एक ही ड्रेस पहनती हूँ, क्योंकि मैं पेपर देने के लिए जब गई थी बेंगलोर, मैं दो ड्रेस लेके गई, क्योंकि ज़्यादा ड्रेस लेके नहीं गई, तो मैं वही वॉश करके नहाती तो है, लेकिन वही वॉश करके मैं पहनती रहती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं मच्छरदानी लगाती हूँ, कुछ भी हो मच्छरदानी लगा के बैठती हूँ, नहीं तो पूरा मच्छर खा जा रहे तभी से, कल रात से मच्छर काट रहे। सोचो कैसे मेरा हालत क्या है। तो मैं अभी रखती हूँ, पहले मच्छरदानी मस्त लगा लेती हूँ उसके। तो गाइस मैं अभी मच्छरदानी के अंदर हूँ, क्योंकि मच्छरदानी दिखा देता हूँ मैं, मच्छरदानी लगा लिया मैंने ऐसे करके नेट, मच्छरदानी लगा लिया मैं, कितना मच्छर मारा दिखाते हो, ऑलरेडी देखा जो तब अच्छा से नहीं देखा है, तो मैं अभी और भी मारा बहुत ज़्यादा है, मैं दिखा देती हूँ। अभी मैं जब तक कुछ भी वॉशरूम टाशरूम लगेगा तब मैं वॉशरूम जाएंगे, जब कुछ काम होता तो मैं मच्छरदानी से बाहर निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलूँगी मैं, आज ऐसे ही मच्छरदानी के अंदर रहूँगी, नहाना बहाना होंगे तब भी मैं, कुछ भी काम होता तो मैं मच्छरदानी के बाहर जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी आज मच्छरदानी के बाद, जब तक हॉस्टल है। हमारा हॉस्टल भी मच्छर है लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि हम लोग तो फोर्थ फ्लोर में है ना हॉस्टल में, तो मच्छर है लेकिन उतना नहीं है जितना यहाँ पे है। तो मैं दिखा दे तो कितना मच्छर, इतना मच्छर है ना, इतना जैसे लग रहा है फ्राई करके खा जाओ उसको, लेकिन खाने का चीज़ तो नहीं खा सकते। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोग एक सेकेंड, लेते कितना मच्छर है, कितना
उसका पैर लंबा 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 करके देखो कितना मरा है। मन तो कर रहा है इसका, मन तो कर रहा है इसको पूरा चटनी बना के, इस मन तो कर रहा है इसको पूरा चटनी बना के पी जाऊँ। इतना खून चूसा ना मेरा, खून पिया ना ये लोग, जैसे मन करे उसको पूरा चटनी बना के पूरा ग्राइंड में डाल के पूरा पी जाऊँ उन लोग को। लेकिन ऐसा चीज़ नहीं, तो खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें फिलहाल अभी जब तक काम कुछ काम नहीं होगा, तुम्हें मच्छरदानी में रहोगी। शाम को तो निकलना पड़ेगा मच्छरदानी से बाहर, क्योंकि शाम को तो हॉस्टल जाना है। 6-5 बजे मैं हॉस्टल चले जाऊँगी। यहाँ पे रोज़ पता नहीं बाहर में काम भी होता रहता है, और कौवा भी रोज़ आवाज़ करते रहते हैं। थोड़ा अंदर है ये घर और ग्राउंड पर, पूरा बाहर में जंगल टाइप का थोड़ा सा भी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मच्छर रहे। तो क्या करें, अब ऐसे तो बिताना होगा। तो फिलहाल मैं अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, बाद में मिलते हैं आप लोग से। तो अभी मैं मच्छरदानी के अंदर हूँ, तो मच्छर मुझे काट नहीं सक रहे अभी तो फिलहाल, तो मैं अभी रख देता हूँ, बाद में आप लोग से मिलते हैं। तो गाइस मैं मच्छरदानी से बाहर निकली हूँ अभी। मैं बोला था जो जब तक काम नहीं होगा मैं मच्छरदानी के अंदर ही रहूँगी, तो अभी मुझे थोड़ा सा काम था तो मैं मच्छरदानी से बाहर निकली। तो खाना बनाना था तो खाना तो बना लिया, मछली था तो मछली बना लिया, तो मछली बना के रख दिया, खाएँगे थोड़ी देर के बाद, तो बनाते हुए मैं खाते भी सब दिन के ये। तो बना के रख दिया, ठंडा होगी तब खाएंगे, तो शाम को तो हॉस्टल भी जाना है। तो फिर खाना तो बना दिया, तो अभी फिर मच्छरदानी के अंदर जाती हूँ मैं, फिर मच्छर काटेगा नहीं तो। पूरा दिन भर वैसे ही मच्छरदानी के अंदर नहीं तो फिर मच्छर काटे बैठ नहीं सकते। पूरा सब शरीर में काट चुका है, पूरा फूला हुआ है शरीर में, हाथ पैर सब। तो मैं अभी फिलहाल रखते हो, हॉस्टल जाने का टाइम है, आप लोग से मिलती हूँ, तो अभी सो जाते हो थोड़ा देर। तो गाइस फाइनली मैं हॉस्टल के लिए निकल चुकी हूँ, तो जीजू मुझे पहुँचाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो शाम हो गई, जीजू आते आते ड्यूटी से थोड़ा लेट हो गए, ऊपर से बारिश हो रही तो इसलिए लेट हो। तो जीजू मेरा हॉस्टल तरफ नहीं जानते, तो मुझे मैप देखने बोला, तो मैंने मैप देखा यार मैंने क्या कर दिया, मैप देखने की जगह वीडियो बना रहे, तो जीजू दूसरा रास्ता से चले गए, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तो गाइस फाइनली आप हॉस्टल पहुंच गए थे, उधर जितना मुझे मच्छर काट रहे ना जिंदगी में से ने काटे हैं पहले, लेकिन इतना दिन मच्छर नहीं काटो, ऊपर से इतना कर मैंने जो दिखाया था ना कितना मच्छर मैंने मारा, और भी ज़्यादा है, लेकिन इतना सारा फाइनली अभी हॉस्टल पहुंच गए। तो चलो मैं रेस्ट कर दूँ, आप लोग से मिलते हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी मॉर्निंग का ऑलरेडी 11 हो गया, क्योंकि मैं अनदर डे है आज, क्योंकि मैं कल आके सो गई, ऑलरेडी खा के सो गई, क्योंकि बहुत थक गई आती, क्योंकि इतना मच्छर काटते हैं ना उधर पे, क्योंकि पूरा हाथ ऐसे आज थोड़ा ठीक लग रहा है। तो मैं अभी नहा के फ्रेश हो गई, क्योंकि इतना सारा कपड़ा धोया है, जितना मैंने बेंगलोर हॉस्टल में रह के आई थी ना, वो कपड़ा सब कपड़ा नहीं धोया, ऐसे धो के रख दिया, कुछ अच्छे से नहीं धोया। तो आते मैंने कंबल वो सब अच्छा से धोया, धो के मैंने 2 बकेट, मैंने 2 आवर्स लग गया बाथरूम में, ऐसे तो धोते थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो मैं दिखा देता हूँ, अभी मैं टेरेस में सुखाने जाऊँगी, तो आज थोड़ा सा धूप भी हुआ है, मैं दिखा देता हूँ बाहर। तो आज धूप भी हुआ है तो दिखा दे। यहाँ पे मैंने किशमिश सुखाया है, क्योंकि उधर से किशमिश क्योंकि बेंगलोर में बहुत प्राइस कम है, तो मैंने उधर से अंगूर खरीद के तो वहाँ से लेके आया था। तो यहाँ पे आदि क्योंकि थोड़ा सा प्राइस कम था उधर, तो मैंने किशमिश बना दिया। तो मैं अभी टेरेस में कपड़ा सुखाने के लिए जाऊंगी, तो 2 बकेट दो के रखा, मैं दिखा देती हूं यहाँ पे, अभी लेके जाऊंगी। ये एक बकेट है, 2 बकेट है, तो लेके जाऊंगी। तो ये मैं माइक लगाया है, क्योंकि मेरा आवाज़ अच्छा से नहीं आता, वैसे बिना माइक का बोलते तो, इसलिए मैंने माइक यूज़ किया है। पता नहीं अच्छा से आएगा कि नहीं, ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे। तो फिलहाल मैं अभी कपड़ा सुखा लेंगे फर्स्ट, उसके बाद खाना खा के सो जाएंगे, क्योंकि खाना खा के सो जाएंगे, क्योंकि आज मेरा नाइट शिफ्ट है, आज से आते ही मेरा ड्यूटी है।
तो अभी मैं पहले कपड़ा सुखा लेंगे, उसके बाद खाते उसके बाद सोएंगे, डायरेक्ट शाम को उठेंगे, तो रात को तो जाना ही है। तो बाद में कपड़ा सुखा गया तो बाद में आप लोग से मिलते हूँ, तब तक के लिए तो मैं फिलहाल फटाफट टेरेस में लेके जाऊँगी। यहाँ पे जो बालकोनी था वहाँ पे पूरा कपड़ा भर गया हम लोग का, रूम इन लोग का, तो इसलिए ज़्यादा कपड़ा मैं टेरेस में लेके जा रही हूँ ऊपर में। तो हम लोग तो लास्ट में तो सुखाने के बाद मैं खाना खाऊँगी, तो मिलते हैं आप लोग से। तो गैस कपड़ा सुखाना तो हो गया, तो मैं यहाँ पे पूरा सुखा दिया। जब आ रही थी तब पूरा टेरेस खाली था, उतना हम लोग का टेरेस उतना भरा नहीं, छोटा सा है। देर ऐसे ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे पूरा सुखा दिया, यहाँ पे मेरा कपड़ा है, यहाँ पे भी उधर ऐसा कुछ है, ये पूरा चार लाइन मैंने सुखाया है। तो मैं टेरेस का व्यू ऐसे ही दिखा देती हूँ, लेकिन अभी पूरा 11:30 हो गया ना, पूरा धूप है उधर, तो ऐसा कुछ इधर का सुखाना होगी। तो मैं अभी एक ही बार खाना लेके चल जाऊंगी, तो बार बार नहीं आऊंगी, क्योंकि तेरी से खाने कैंटीन भी है, तो मैं एक ही बार प्लेट भी लेके आया हूँ, तो खाना लेके जाऊंगी। क्या सब्जी बनाया वो तो नहीं पता, तो देखती है, तो अभी फिलहाल चलती हूँ। तो गाइस मैं रूम में आ चुकी हूँ, रूम में आके तो मैं खाना भी एक ही बार लेके आया, बोला तो है लेकिन खाना एक ही बार लेके आएंगी, क्योंकि बार बार जाना अच्छा नहीं लगता, तो मैं खाना भी लेके आया। अभी खाने में क्या मिलता है मैं दिखाती हूँ आप लोग को, देखिए गाइस। एटलीस्ट वहाँ से हॉस्टल से तो एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छा, ये मैंने घर से लाया था आम का अचार था, और ये आलू का सब्जी दिया आज का लंच में, और मछली है और पकौड़ा है, ये ऑनियन है। अभी जल्दी से खाना खाते हो, खाना खा के मिलते हैं आप लोग से। आप लोग को कुछ दिखाना है, खाना खाने के बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या चीज़ है। तो मैं फ़िलहाल अभी खाना खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है, तो खाना खा के आप लोग से मिलते हैं। तो गाइस अब मेरा खाना हो गई, तो अभी खा के मैं सो जाऊंगी। तो मैं खाना खाने से बोल रहा थी, तुम आप लोग को मैं कुछ दिखाऊंगी, तो दिखाती हूँ। पहले मैं ज़्यादा सूखा ही अंगूर मैं अंदर डाल लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद सो भी जाएंगे, तो मैं ये अंदर रख देते हो। तो अभी हम दिखाते हो आपको क्या चीज़ दिखाने वाले हो, तो दिखा रहे हो। ये है मैं दूसरा दिन ये खोलेंगे, ये अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से सबको गिफ्ट मिले, तो मैं भी आते इसको मिल गई, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ये ओपन करके दिखाऊंगी, तो मैं अभी फिलहाल रखती हूँ यह भी। तो ये चीज़ें मैं दिखाऊंगी बोला था, तो मैंने गिफ्ट का जो बॉक्स दिखा दिया, तो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी वो ओपन करके अनबॉक्स करके। तो अभी मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो ये अंगूर ऑलरेडी किशमिश जो बना रहे ऑलरेडी हो गया है, तो अभी मैं डब्बा में डाल के रख देंगी। ये जब कुछ बनाना होता तो तब खाने का मन होता तो निकल के खाएंगे, तो मैं दिखा देती हूँ। रेडी हो गया ऑलरेडी, ज़्यादा दिन नहीं सुखाया, ये पूरा रेडी हो गया, ये पूरा ऑलरेडी रेडी हो गया। मैं डब्बा ये डब्बा के अंदर रख देंगे अच्छा से, जब सो के उठेंगे तो सो के उठने के बाद कपड़ा भी तेरे से लेके आना है। तो फिलहाल आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग का आज का वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और कोई भी नया है तो मेरा वीडियो में सब्सक्राइब कर देना। तो उसके लिए यही।